गुड मॉर्निंग क्लास, आ जाओ सभी लोग भाई। गुड मॉर्निंग रीना, गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग त्रोलोचन, गुड मॉर्निंग जय, नमस्ते भाई त्रोलोचन। चलिए भाई, सभी लोग अपने अपने स्टडी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लें जल्दी से, फटाफट आप सभी लोग मैसेज कर दो भाई अपने अपने ग्रुप में। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गौरव मीना हेलो। अगर मैं बात करूं अपने बारे में, मोर देन 8 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है मेरा, मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट सिलेक्टेड वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, करंट अफेयर्स इन 10, डिफेंस एग्जाम इन 10, एसएससी एग्जाम इन 10, मैथ्स इन 10, रीजनिंग इन 10। जी गौरव जी, डेली करंट पढ़ाते हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा चल रहा है प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम इन 30 डेज, ठीक है। ये आपका शेड्यूल लगा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग हर्षिता। यहाँ पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज रहेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज रहेगा, अनलिमिटेड एसेस रहेगा आपका। आप सभी मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। जी गौरव मीना, डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं भाई, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां पर गोल एसएससी आपको सेलेक्ट करना है, फिर मेरा नाम सर्च करना है, मेरा नाम है आपका अमित राघव, और आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी स्पेशल क्लासेस रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे बराबर टाइम से, ठीक है। अभी क्या है, अभी सुबह 7 बजे, सॉरी शाम को 7 बजे मेरा यहाँ पर एमसीक्यू बैच चल रहा है, जो आपका रेलवे और एसएससी एंड जितने भी आपके स्टेट एग्जाम है, ठीक है। गुड मॉर्निंग दर्पण, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम है वो सभी को टारगेट करेगा, तो आप डेली शाम को 7 बजे मिल सकते हैं। मैं 50 एमसीक्यू की सीरीज डेली कराता हूँ, और आपका दिसंबर में 2000+ एमसीक्यू कराए जाएंगे, ठीक है, जो आपका ओवरऑल कंप्लीट रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट है, स्टैटिक है, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आप सभी लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लें, और मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप कर सकते हो अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनी वेयर, आपको मिलेगा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस इन ऑल कोर्सेज, लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज डिलीवर्ड बाय द बेस्ट एजुकेटर, कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर, टेक क्विज एंड ट्रैक योर लर्निंग जर्नी, इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लाइव क्लासेस रहेगा, डाउनलोड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज एंड प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, जो कि आपका सिलेक्शन कम से कम समय में कराएगा। अगर हम बात करें प्लान की, सबसे बेस्ट प्लान रहता है 24 मंथ्स का, जिसकी फीस है बच्चों 7,200, लेकिन ये फीस कम हो जाती है, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे, आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा Amit007, तो ये फीस हो जाती है आपकी 6,480। अनअकैडमी पर क्लास लेने पर आपके पास में कुछ कॉइन्स भी इकट्ठा हो जाते हैं, जब आप इन कॉइन्स को रिडीम कर देंगे तो ये फीस आपकी 6,480 से और कम हो जाएगी। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस है आपकी 6,000, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है Amit007 रेफरल कोड यूज करते ही, तो ये फीस हो जाती है आपकी 5,400, कॉइन्स रिडीम करेंगे फीस और कम हो जाएगी, ठीक है। तो जितना बड़ा जितना लंबे समय वाला प्लान लेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ₹300 मंथ है, और यहाँ पर डिस्काउंट के बाद ₹270 पर मंथ का एक एवरेज आ रहा है, जो कि आज के टाइम पर बहुत ही कम है, ठीक है, आज के टाइम पर बहुत ही कम है। और आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके सामने तो ये कुछ भी अमाउंट नहीं है।
तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्द से जल्द प्लान करें सब्सक्रिप्शन का और अपनी स्टडी को एक बेहतर तरीके से बिल्कुल स्टार्ट कर दें अगर सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन हमने लगा दिया है, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे? आपको बताना है व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। तो थीम क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की, जल्दी से फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताओ भाई। बताओ भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की। चलिए क्या है इसका राइट आंसर, बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। इसका राइट आंसर क्या है आपका बी, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताते रहे भाई। सभी लोग कमेंट करें। तो ये आपका मनाया जाता है कब, 10 दिसंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है आपका कब, 10 दिसंबर को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसे हाल ही में 100% जैविक घोषित किया गया है। नेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक रिसेंटली। कौन सा स्टेट है भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। आंसर आपके सामने है, उसमें से आपको राइट आंसर निकालना है कि राइट आंसर क्या है। तो अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है बच्चों लक्षद्वीप। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपको लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अफसाना, तो अफसाना आपको बताना है इसके एलटी गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल लक्षद्वीप के कौन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भैया कि क्या लक्षद्वीप की कैपिटल बताइए और उपराज्यपाल बताइए, बताओ भाई शिवानी राणा। कौन बताएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। बताओ भाई जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया दर्पण, नहीं भैया बलिया, किरण बेदी नहीं है। कौन बताएगा भैया राइट आंसर, कौन बताएगा जल्दी से बताओ भाई फटाफट, जल्दी से बताओ भाई फटाफट राइट आंसर क्या है। गवर्नर के बारे में बताओ भाई, सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सही है आंसर, बताओ भाई नाम सुना है या नहीं, बताओ भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करके। चलिए
चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल रोमांसिक टारगेट्स, रोमांस टारगेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ फटाफट इसका राइट आंसर। कौन कौन स्टूडेंट क्लास में आ चुका है एक बार कमेंट करके बता दें। सुबह 8 से 10 का कौन कौन स्टूडेंट है और 10:30 से 12:30 के कौन कौन स्टूडेंट है, एक बार कमेंट करके बता दें सभी लोग। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। रोमांस टारगेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका निधि, ठीक है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ 8 से 10 का स्टूडेंट कौन है और 10:30 से 12:30 का स्टूडेंट कौन है क्लास में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पढ़ा चुका हूं। किस बैंक ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के, किस बैंक ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द आत्मनिर्भर वोमेन स्कीम ऑफ इट्स बड़ौदा बड़ौदा गोल्ड लोन? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। गुड मॉर्निंग रविंद्र, गुड मॉर्निंग। इसका हेड ऑफिस बता दो भाई जल्दी से फटाफट। हेड ऑफिस कहाँ है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेड ऑफिस है वो है आपका बड़ोदरा। अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा का कि भैया इसमें कौन से बैंक विलय किए गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से बैंक विलय किए गए, तो कौन से बैंक विलय किए गए आपके, वो किए गए आपके विजया बैंक और आपका देना बैंक। कल ही पढ़ाया है यार, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हो। जल्दी से फटाफट मुझे सीईओ के बारे में बता दो और टैगलाइन के बारे में बता दो। कल ही पढ़ाया है, आप लोग बिल्कुल बता दीजिए फटाफट से, सीईओ कौन है और टैगलाइन क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, जल्दी से बस थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड दर्पण। तो भैया सीईओ हैं इसके संदीप चड्ढा, बहुत बढ़िया शाबाश। अगर मैं बात करूं इसकी टैगलाइन की तो टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, टैगलाइन है इसकी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बहुत बढ़िया शाबाश। तो इसी बात पे सारे लोग लाइक कर दें, ठीक है, इसी बात पे सारे लोग लाइक कर दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बताओ जल्दी से फटाफट, चेयरमैन बताओ जल्दी से फटाफट। रिवीजन चल रहा है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर चेयरमैन बताओ जल्दी से फटाफट। बहुत बढ़िया शाबाश। बहुत बढ़िया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। चेयरमैन कौन है आपके, दिनेश कुमार खरा। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर बताओ जल्दी से फटाफट, आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर बताओ भाई। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। आईसीआईसी बैंक के सीईओ कौन है भाई, आईसीआईसी बैंक के सीईओ कौन है बताओ भाई, आईसीआईसी बैंक के सीईओ संदीप बख्शी, बहुत बढ़िया शाबाश। आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन क्या है, टैगलाइन बताओ जल्दी से फटाफट आईसीआईसी बैंक की, आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन क्या है। तो आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन है बताओ जल्दी से फटाफट क्या,
अरे आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट किया करो फटाफट से। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सोनू। आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। बहुत बढ़िया। अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों आपका? मुंबई। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों आपका? मुंबई। एचडीएफसी अगर की बात करें सीईओ, तो सीईओ कौन है आपके? शशिधर जगदीशन। सीईओ कौन है आपके? शशिधर जगदीशन। अगर मैं बात करूं आपका टैगलाइन की, अगर मैं बात करूं आपके टैगलाइन की, तो टैगलाइन क्या है एचडीएफसी बैंक की? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसने, शोधकर्ता ने ऐसी नवीन सामग्री विकसित की है जो नम हवा से पानी उत्पन्न कर सकती है? किस शोधकर्ता ने, ठीक है, किस शोधकर्ता ने ऐसी नवीन सामग्री विकसित की है जो नम हवा से पानी उत्पन्न कर सकती है? द रिसर्चर्स एट विच आईआईटी हैव डेवलप्ड नोवल मटेरियल्स दैट कैन हार्वेस्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर। जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग नंबरदार, कितने बजे से क्लास है भाई? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र टिंकू, टाइम से क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? क्या पढ़ाई में मन नहीं है तुम लोगों का? सारे लोग जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दें। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। राइट आंसर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है धर्म डिकोडिंग, ठीक है, धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, द बुक टाइटल्ड धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ हैज बीन ऑथर्ड बाई हु अमंग द फॉलोइंग? जल्दी से फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया शिवानी, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों आपका? ऑप्शन डी, अमिश त्रिपाठी। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, अमिश त्रिपाठी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप बता ही दोगे। सिक्किम के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है? ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ठीक है, ऑप्शन सी लक्षद्वीप। गुड मॉर्निंग अंशु चौधरी, बहुत लेट आए हो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व ऑन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट बताओ इंटरनेशनल माउंटेन डे किस दिन मनाया जाता है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या है। गुड मॉर्निंग श्वेता यादव, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ फटाफट, इंटरनेशनल माउंटेन डे किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका कब बच्चों? ये मनाया जाता है आपका 12 दिसंबर, सॉरी, ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है आपका? 11 दिसंबर, ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को। 11 है या 12, एक बार चेक करना भाई, मेरे हिसाब से 11 दिसंबर है, ये टाइपिंग एरर है मेरे ख्याल से। या सही है ये? गुड मॉर्निंग इंद्रजीत, एक बार चेक करना कोई, माउंटेन डे 12 है या 11 है? एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लूं।
11 ही है भाई, वही तो। गुड मॉर्निंग सर्वेश, गुड मॉर्निंग। 12 दिसंबर ही है, वही तो मैं कह रहा था, क्योंकि मैंने जब देखा था तो ये एरर था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 11 दिसंबर ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर 11 दिसंबर है आपका। ठीक है, चलो भाई, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग एरर, लेकिन हमें आंसर पता था इसलिए हमने कहा चलो लाओ एक बार चेक ही करवा दें तुम लोगों को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया बच्चों? अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो यार। आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक और शेयर कर दो भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 दिसंबर को मनाया गया आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया गया आपका 10 दिसंबर को। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन लगा दिया है हमने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा अधिक खोजे जाने वाला शब्द है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल इन 2020? बताओ जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर क्या है। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या है, कौन बताएगा? देखते हैं इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करो भाई। सभी लोग कमेंट करो। आंसर गलत है, सभी लोग कमेंट करो, आंसर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका आईपीएल। इसका जो राइट आंसर है आपका आईपीएल। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, एक डाउट बन जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, एक डाउट बन जाता है, क्योंकि किसी ने भी शिवानी के अलावा डी नहीं बताया, किसी ने भी शिवानी के अलावा डी नहीं बताया, श्वेता डी बता रही है। तो भैया राइट आंसर आपका आईपीएल है, ठीक है, राइट आंसर आपका आईपीएल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिना पढ़े लोग अगर कोई भी आंसर देगा तो वो या तो क्वारंटाइन बताएगा या कोरोना वायरस बताएगा, लेकिन राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, आईपीएल। ठीक है, तो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाला जो शब्द है वो नाम है आपका आईपीएल। खुद सोचो हमारे इंडिया में आईपीएल का कितना क्रेज है, ठीक है, हमारे इंडिया में आईपीएल का कितना क्रेज है। सरिता चौधरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहली क्लास है सरिता चौधरी शायद आपकी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्ब्स की विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किस स्थान पर रखा गया है? एक फोर्ब्स मैगजीन है जो कि रैंकिंग बताती है, इसमें आपका जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनकी रैंकिंग क्या है, जल्दी से बता दो भाई फटाफट। तो सरिता चौधरी, आपको मेरे बारे में कहाँ से पता चला, किसी ने रिकमेंड किया है या कैसे आप आए हैं क्लास में, एक बार बता दीजिए। और भाई जल्द से जल्द जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दें भाई। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि तो डेली शाम को 7 बजे वहां पर आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जो कि आपका स्टैटिक और आपका बाकी सारी चीजों का मिक्स है, जो आपका रेलवे और एसएससी या अपकमिंग जितने भी एग्जाम है वहां पर आपके काम आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। इनकी जो रैंक है, इनकी रैंक है 41। तो कोई मुझे बता सकता है 2019 में इनकी रैंक क्या थी?
कोई मुझे बता सकता है 2019 में इनकी रैंक क्या थी? अभी इनकी जो रैंक बताई गई है वो 41 बताई गई है, तो आप में से कोई बता सकता है 2019 में इनकी रैंक क्या थी? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए भाई। दो हजार उन्नीस में रैंक क्या थी इनकी? तो 2019 में जो इनकी रैंक थी बच्चा वो थी आपका 34। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं 2019 में ये बेहतर स्थिति में थी, अभी इनकी स्थिति थोड़ा सा डाउन हो गई है, ये 34 नंबर से आ गई है 41 पे। ठीक है, अब आप में बताइए फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? क्योंकि अगर हमने बात कर ली निर्मला सीतारमण जी की तो ये तो 41वें नंबर पे है, आपको बताना है फर्स्ट पोजिशन पे कौन है। तो फर्स्ट पोजिशन पे है जर्मनी चांसलर एंजेला मोर्कल। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हैं आपकी एंजेला मोर्कल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है क्रिस्टीन लेगार्ड। ठीक है, इनका नाम है क्रिस्टीन लेगार्ड। और तीसरे नंबर पे हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पे है आपका एंजेला मोर्कल, ठीक है, सेकंड पे है क्रिस्टीन लेगार्ड और थर्ड पे है कमला हैरिस। ठीक है, थर्ड पे है आपकी कमला हैरिस। ठीक है, और हमारी निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्थान है 41। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बता देते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामा नूजन पुरस्कार किसको दिया गया? 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस हैज बीन अवॉर्डेड टू, जल्दी से बताओ फटाफट किसको मिला है ये पुरस्कार, ये पुरस्कार किसको मिला है जल्दी से फटाफट बताइए। अगर आप लोग सच में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, वरना आपकी करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपकी बेहतर तरीके से तैयार नहीं है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो मुझे डेली सुबह 6:30 बजे यहाँ पर फॉलो करें और शाम को 7 बजे अनअकैडमी पे फॉलो करें अगर आपको करंट स्टैटिक इकोनॉमी का पोर्शन अच्छा करना है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगा दिया हमने आपके सामने, भूषण चंद्र जी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। अगला क्वेश्चन लगा दिया है हमने आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी मौद्रिक लेन देन हेतु सभी वित्त संस्थानों के लिए नामित बैंक होने का जनादेश जीता है? वो कौन सा बैंक है जो कि आपका वित्त संस्थानों के लिए नामित बैंक का दर्जा प्राप्त करेगा, बताइए जल्दी से फटाफट कौन है, कौन सा बैंक है? तो भैया अगर हम उस बैंक की बात करें तो उस बैंक का नाम है भैया आपके सामने आ चुका है, उस बैंक का नाम जल्दी से बता दो भाई, कौन बताएगा उस बैंक का नाम? उस बैंक का नाम है बच्चों आपका आईसीआईसी बैंक। ठीक है, क्या नाम है उस बैंक का? आईसीआईसी बैंक। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक की अगर मैं बात करूं तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है कि आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। ठीक है, आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं आपके संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, हम है ना ख्याल आपका। सरिता चौधरी कह रही है सर मेरी फ्रेंड बताई आपका क्लास लेने के लिए, तब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सरिता चौधरी। ठीक है, क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? सरिता चौधरी। तो आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, सीईओ हैं आपके कौन? संदीप बख्शी। टैगलाइन है आपकी क्या? हम है ना ख्याल आपका। गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सभी का स्वागत है, पुराने स्टूडेंटों का भी स्वागत है। तो भैया सारे लोग करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे सुबह 6:30 बजे यहीं पर मिलेंगे आप लोग, और स्टैटिक अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए शाम को 7 बजे डेली मिलेंगे आप मुझे अनअकैडमी पर, अगर आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, वरना कोई बात नहीं है, जैसे आप लोग आज आए हैं हो सकता है कल कोई दूसरा आएगा। चलिए भैया एक्सिस बैंक की भी बात कर लेते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएगा एक्सिस बैंक हमारा। तो एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी है आपका मुंबई। ठीक है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं, एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है बच्चा? जल्दी से फटाफट बता दो यार, आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो, आंसर बता दो जल्दी से फटाफट। और भाई सारे लोग दम लगा के एकदम अंगूठे को कष्ट दें और लाइक ठोक दें सारे लोग वीडियो पर। ठीक
ठीक है, सारे लोग अपने अंगूठे को कष्ट दें, सारे लोग लाइक करें सेशन को, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो फैलती रहे और सबका भला होता रहे। तो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं भैया अमिताभ चौधरी। कौन है भैया? अमिताभ चौधरी। अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक की टैगलाइन की, अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक की टैगलाइन की, तो टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। हेड क्वार्टर मुंबई, सीईओ हो गए आपके अमिताभ चौधरी, और टैगलाइन हो गई आपका बढ़ती का नाम जिंदगी। बात क्लियर है? यस और नो एक बार कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी से फटाफट बता दो, क्लियर है ना? ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला पॉइंट क्या है? इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका पुणे। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? पुणे। अगर मैं बात करूं इसकी टैगलाइन की, तो टैगलाइन बताओ जल्दी से फटाफट। सीईओ हैं सुमंत काठपालिया। सीईओ हैं आपके सुमंत काठपालिया। एक मेरे भाई ने अंगूठे को कष्ट दिया है डिसलाइक करके। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सीईओ हैं आपके सुमंत काठपालिया। ठीक है, टैगलाइन क्या है आपका? वी मेक यू फील रिचर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है बच्चों? आपका मुंबई। यस बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई। और अगर मैं बात करूं यस बैंक के सीईओ की, तो यस बैंक के सीईओ कौन है आपके? प्रशांत कुमार। ठीक है, यस बैंक के सीईओ कौन है आपके? प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन की अगर मैं बात करूं, तो यस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। यस बैंक की टैगलाइन क्या है आपका? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 2021 में 9.9% जीडीपी वृद्धि पर नोमुरा को उम्मीद है कि 2021 में एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश कौन सा है? तो आप बताइए 2021 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश कौन सा होगा? किस देश की अर्थव्यवस्था जो कि एशियाई देश है? तो अगर मैं बात करूं, इसका राइट आंसर क्या है आपका? अपना देश। इसका राइट आंसर है आपका इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका इंडिया। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल सेवानिवृत्ति के मद्देनजर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताओ भैया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट ले रही है कौन? गीता मित्तल। तो गीता मित्तल के बाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन हो रहा है? जल्दी से फटाफट बता दो भाई, राइट आंसर क्या है? जल्दी से फटाफट राइट आंसर बता दो, राइट आंसर क्या है? तो भैया राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजेश बिंदल। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, राजेश बिंदल। तो राजेश बिंदल बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर के आपके चीफ जस्टिस। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, राजेश बिंदल। और रिटायर कौन हो रही है? गीता मित्तल। रिटायर कौन हो रही है? गीता मित्तल। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के एलटी गवर्नर की, उपराज्यपाल कौन है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी से फटाफट बता दो। पुराने का नाम मैं बता दे रहा हूं, गिरीश चंद मुर्मू। ठीक है, जो पुराने थे उनका नाम है गिरीश चंद मुर्मू।
गुड मॉर्निंग अंकित कुमार, जो पुराने थे उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के, उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अभी जो है उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी जो नाम है उनका नाम क्या है आपका? मनोज सिन्हा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी, जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी कौन सा क्रिकेटर स्टार्ट किया है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी कौन सा क्रिकेटर स्टार्ट किया है? गुड मॉर्निंग चंद्रशेखर जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट बता दो भाई इस क्वेश्चन का आंसर। जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी कौन सा क्रिकेटर स्टार्ट किया है? बहुत बढ़िया, शाबाश सुरेश रैना। सुरेश रैना ने स्टार्ट किया है क्रिकेट एकेडमी, ठीक है? सुरेश रैना ने स्टार्ट किया है आपका क्रिकेट एकेडमी। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, अगर सच में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स पढ़नी है और करंट अफेयर्स बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाएं, तो आप डेली सुबह 6:30 बजे आप मुझे मिलिए, मैं आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल एकदम रटा दूंगा। उस दिन आप कंटिन्यू मुझे फॉलो करिए, और अगर आपको स्टैटिक अवेयरनेस वगैरह स्ट्रॉन्ग करनी है, शाम को 7 बजे आप मुझे मिलिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। डाउनलोड कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना मेरी प्रोफाइल पे जाके, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड पाइनियर ऑफ ह्यूमैनिटी? महर्षि अरविंद। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर बता दो भाई सभी लोग, और भाई सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग, जहां जहां पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, सभी जगह पर आप इसको पहुंचा दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। तो भैया ऑप्शन डी है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमने लगा दिया है, किस देश से जेना बोल्ड्रिज, ठीक है? किस देश से जेना बोल्ड्रिज को विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश से जेना बोल्ड्रिज को विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपको बताना है ये बने हैं आपके कौन प्रेसिडेंट बने हैं, किसके? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, ठीक है? प्रेसिडेंट बने हैं किसके? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के। तो आपको बताना है ये किस देश के हैं, आपको बताना है ये किस देश के हैं। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंग्लैंड। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल की बात करी जाए तो कैपिटल क्या है बच्चों आपका? लंदन, ठीक है? इंग्लैंड की कैपिटल की बात करी जाए तो कैपिटल क्या है आपका? लंदन। अगर मैं बात करूं आपका करेंसी का, तो करेंसी क्या है आपका? पाउंड स्टर्लिंग। अगर मैं बात करूं पीएम की, तो पीएम कौन है आपके? बोरिस जॉनसन। क्लियर है? अब यहां पे आपको ये बताना है, अब यहां पे आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन होंगे? आपको ये बताना है हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन होंगे? महात्मा गांधी जी कुछ कह रहे हैं, कुछ चढ़ गया है नशा की कोई और, नासा चढ़ता नहीं है। वाह वाह, आज छीन लेते हैं किताब मेरे हाथ से मेरे माँ बाप, जो कभी कहते थे मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। क्या बात, तो तुम शायर हो महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे भैया 26 जनवरी को बोरिस जॉनसन ही आपके क्या रहेंगे? चीफ गेस्ट रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इसको, क्योंकि 26 जनवरी के बाद में अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे वहां पर पूछा जाता है कि रिपब्लिक डे पर या इंडिपेंडेंस डे पर हमारे यहाँ चीफ जस्टिस कौन रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल एकदम मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सारे लोग सेशन कर दें लाइक और शेयर कर दें भाई सभी लोग।
अगला क्वेश्चन हमने लगा दिया है आपके सामने, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने किसको बनाया है अध्यक्ष? एनिका सोरेन स्टैम, ठीक है, ये अध्यक्ष बनी है। अब यहां पे आपको बताना है कि इनकी जो नियुक्ति है वो कब से प्रभावी होगी, इनकी जो नियुक्ति है वो कब से प्रभावी होगी। बहुत बढ़िया महात्मा गांधी जी, लेकिन महात्मा गांधी जी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग आया करो तो स्टडी के पर्पज से आया करो, कुछ सीखने के पर्पज से आया करो, ये शायरी वायरी सब बेकार की चीजें हैं बेटा, यहाँ पर स्टडी करो अपनी, ठीक है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जनवरी 1, 2021, ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जनवरी 2021। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य ने महामारी में अपनी नौकरी खो चुके, ठीक है, किस राज्य ने महामारी में अपनी नौकरी खो चुके प्रवासी श्रमिकों की मदद हेतु लाइवलीहुड, ठीक है, जनरेशन फॉर रिटर्न माइग्रेट वर्कर्स प्रोजेक्ट शुरू किया है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है आपका मिजोरम, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है आपका मिजोरम, ठीक है, बिल्कुल महात्मा गांधी जी बिल्कुल आएगा, राइट आंसर क्या है आपका मिजोरम। मिजोरम का सीएम बता दो जल्दी से फटाफट, मिजोरम के सीएम बता दो, मिजोरम की कैपिटल बता दो, मिजोरम के गवर्नर बता दो जल्दी से फटाफट, सीएम कौन है भाई जल्दी से फटाफट बताओ मिजोरम के, देखते हैं कितने बच्चों को याद है मिजोरम के सीएम। बहुत बढ़िया अफसाना, बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत बढ़िया शाबाश, मिजोरम के सीएम है आपके, ठीक अफसाना तुम व्हाट्सएप ग्रुप में हो मेरे साथ में या टेलीग्राम ग्रुप में हो ये बताओ अफसाना, ठीक है, सीएम है आपके, कैपिटल की बात करें, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, पी एस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, पी एस श्रीधरन पिल्लई, ओके, बहुत बढ़िया शाबाश। अगर बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा के सीएम कौन है जल्दी से फटाफट कमेंट करो, त्रिपुरा के सीएम कौन है, त्रिपुरा के सीएम कौन है जल्दी से फटाफट बताओ, याद नहीं है इसका मतलब आप लोगों को, कैपिटल क्या है, गवर्नर कौन है, ठीक है, अब बात करें असम की, असम के सीएम कौन है, कैपिटल है आपका दिसपुर, गवर्नर कौन है आपके, जगदीश मुखी, गवर्नर कौन है आपके, जगदीश मुखी, वेरी गुड अफसाना, बहुत बढ़िया शाबाश। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, कैपिटल है आपका कोलकाता, अगर मैं बात करूं गवर्नर की तो गवर्नर कौन है, जगदीप धनकर, गवर्नर कौन है आपके, जगदीप धनकर, ठीक है, क्लियर है यहां तक, जगदीप धनकर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमने लगा दिया है, भारतीय नौसेना ने
किस दिन पनडुब्बी दिवस मनाया? भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी दिवस मनाया। जल्दी से फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर मनाया। शिवम श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, 8 दिसंबर को बनाया गया भारतीय सेना ने पनडुब्बी दिवस। तो आपको ये बताना है कि अगर मैं बात करूं आपसे 7 दिसंबर की, तो 7 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? 7 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? जल्दी से फटाफट बता दो भाई, 7 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? कौन बताएगा मुझे 7 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? तो 7 दिसंबर को लिख लो भैया। दूसरा मनाया गया आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे 9 दिसंबर की, अगर मैं आपसे बात करूं 9 दिसंबर की, तो 9 दिसंबर को क्या मनाया गया? एंटी करप्शन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया आपका कब? 9 दिसंबर को। बात क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जून 2021 में होने वाले, जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा कौन? ठीक है, एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने की मेजबानी अधिकार हासिल किया है? तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, श्रीलंका। ठीक है, यहां पर बात करेंगे हम ऑप्शन ए श्रीलंका की। रिपीटेड क्वेश्चन है, कल पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार आ चुका है, दोबारा से पढ़ा लेते हैं। श्रीलंका करेगा जून 2021 में एशिया कप की मेजबानी, क्योंकि 2020 में ये जो होने वाला था टूर्नामेंट वो होने वाला था पाकिस्तान में, लेकिन ये कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो अब ये होगा 2021 में कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, 2021 में होगा श्रीलंका में। लेकिन अगर बात करें हम 2022 की, अगर हम बात करें 2022 की, तो बच्चों इसकी मेजबानी फिर से मिली हुई है किसके पास? पाकिस्तान के पास। ठीक है, अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में मेजबानी किसको मिली हुई है? पाकिस्तान को। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया? शिवम श्रीवास्तव जरा कमेंट करके बता दीजिए भाई, आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, शिवम श्रीवास्तव एक बार बता दीजिए भाई, क्या चीज समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा कौन? करेगा श्रीलंका करेगा। वैसे ये जो टूर्नामेंट है बच्चा, वो 2020 में होने वाला था, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा था? पाकिस्तान। लेकिन कोविड की वजह से 2020 का ये कैंसिल हुआ, ये पोस्टपोन होकर चला गया 2021 में, लेकिन इसकी मेजबानी पाकिस्तान से ना कराकर किसको दे दी गई? श्रीलंका को। बात क्लियर है? अब बात ये आती है कि 2021 के बाद में ये टूर्नामेंट होगा कहाँ पर? 2022 में होगा, और 2022 में इसकी मेजबानी श्रीलंका के पास नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो 2021 की है। यहां पर कौन कराएगा इसको? पाकिस्तान कराएगा। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया शिवम श्रीवास्तव इसमें? बताओ भाई एक बार, क्या समझ में नहीं आया बच्चा? अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई आपकी क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के पीएम कौन है भाई? श्रीलंका के पीएम कौन है बताओ भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है आपका? कोलंबो। ठीक है, कैपिटल क्या है आपका? जल्दी से बताओ कैपिटल क्या है आपका, कमेंट करके बताओ सारे लोग, कैपिटल क्या है? कोलंबो है। और कैपिटल क्या है दूसरी कैपिटल, बताओ जल्दी से फटाफट। श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे,
दूसरी कैपिटल क्या है आपका? श्री जयवर्धन पुरे कोटे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं श्रीलंका का ओल्ड नेम, श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है, जल्दी से फटाफट बताओ, श्रीलंका का ओल्ड नेम। श्री जयवर्धन पुरे कोटे, बहुत बढ़िया। श्रीलंका का ओल्ड नेम, बहुत बढ़िया हर्षिता, वेरी गुड। ओल्ड नेम है श्रीलंका का, लिख लो सिलोन, ठीक है। और ये जो नाम था ये बदलकर 1972 में क्या हो गया बच्चा? 1972 में ये नाम हो गया लंका, ठीक है। 1972 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया था? लंका। और 1972 के बाद में 1978, 1978 में इसका नाम क्या हो गया था? श्रीलंका, ठीक है। 1978 में इसका नाम क्या हो गया था? श्रीलंका। बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत से श्रीलंका नहीं था, पहले था ये आपका सिलोन, ठीक है। 1972 में हुआ लंका और 1978 में हुआ श्रीलंका। तो अगर क्वेश्चन बढ़िया लगा है नए बच्चों को, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई, ताकि हमें लग जाए कि हाँ जी आपको समझ में आ गया। चलिए भाई, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बताओ, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, ठीक है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, पीएम शेख हसीना, कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, बात क्लियर है? चलिए भाई नेपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का तो सबको पता ही है, नेपाल की भी बात कर लेते हैं। तो नेपाल के पीएम कौन है? नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, ठीक है। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। सरिता चौधरी क्या कह रही है? सर आप बहुत पढ़ा रहे हैं, बट मैं पढ़ रही पर ही हूं, सही से नेट प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहना चाह रहे हो सरिता? ठीक है, नेपाल के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली, ठीक है। और कैपिटल की बात करी जाए तो कैपिटल क्या है आपका? काठमांडू, ठीक है। और गवर्नर की बात करी जाए तो गवर्नर है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉब्लम है सरिता, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विद्या देवी भंडारी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी हटा देना, इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, ठीक है, जस्टिस राजेश बिंदल, ठीक है, जस्टिस राजेश बिंदल, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ठीक है, मनव्वर चौधरी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बताओ भाई कौन सा क्रिकेटर है जिसने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो भाई इसका राइट आंसर। चलिए भाई इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पार्थिव पटेल, ठीक है। पार्थिव पटेल ने क्या ले लिया है? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? पार्थिव पटेल। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तीन खेल हैं जो कि है आपका स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और आपका क्या है? सर्फिंग, ठीक है। यहां पर है सर्फिंग, 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपने ओलंपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये तीन खेल हैं जो कि शुरुआत करेंगे 2021 में, आपको बताना है यह है किस देश में आयोजित किया जाएगा, यह है किस देश में आयोजित किया जाएगा। गुड मॉर्निंग चंदन, गुड मॉर्निंग, बताओ भाई ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, टोक्यो जापान, ठीक है। ये 2021 में होगा समर ओलंपिक, जिसमें ये तीन खेल हैं, ठीक है, ये तीन खेल हैं, ये अपनी शुरुआत करेंगे, ठीक है, ये अपनी शुरुआत करेंगे, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, सर्फिंग, ठीक है। तो इनकी शुरुआत होनी है 2021 में,
ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये आयोजित होगा आपका टोक्यो जापान में, ठीक है, ये आयोजित होगा आपका टोक्यो जापान में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगा दिया है हमने आपके सामने, ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं कौन कौन बताता है इसका आंसर। रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार दिवस का विषय है, तो आपको बताना है ये किस दिन मनाया जाता है। ये तो बिल्कुल एकदम रट जाना चाहिए कि भाई ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है बच्चा? 10 दिसंबर को, ठीक है, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। अब यहां पर बात कर लेते हैं, एक बार यहां पर बात कर लेते हैं आपका कि भैया 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। यहां पर बात कर लेते हैं एक बार कि 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। कौन बताएगा मुझे 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट बता दो भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो भैया 5 दिसंबर को मनाया जाता है आपका कौन सा डे? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। 5 दिसंबर को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, और मनाया जाता है आपका वर्ल्ड सॉयल डे, ठीक है, वर्ल्ड सॉयल डे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 7 दिसंबर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 7 दिसंबर की, तो मैंने बताई दिया था आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं आपका 9 दिसंबर की, तो 9 दिसंबर को कौन सा है? एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से फटाफट, सेशन को खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम वाणी की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है, तो वाणी में आई का क्या अर्थ है? द यूनियन कैबिनेट चेयर चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ पीएम वाणी, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन वाणी? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इंटरफेस, ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इंटरफेस। चलो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, बिल्कुल ये तो आप बता ही सकते हैं, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर भी आप बता दीजिए। तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इनकी जो पोजीशन मिली है फोर्ब्स की में वो है फर्स्ट, ठीक है, ये मिली है इनको सेकेंड, और ये है आपका थर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टॉप 3 चेहरे हैं, ठीक है, ये टॉप 3 चेहरे हैं जिनको फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है, ठीक है बच्चों, ये टॉप 3 चेहरे, ये टॉप 3 नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रख्यात कवि पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मंगलेश डबराल का हाल ही में निधन हो गया, वह 72 वर्ष के थे, तो आपको बताना है वो आपके हिंदी कवि थे, तमिल थे, तेलुगु थे, संस्कृत थे, जल्दी से फटाफट बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या है। तो भैया ये है आपका राइट आंसर आपका हिंदी, राइट आंसर क्या है बच्चों आपका हिंदी, ठीक है, राइट आंसर है आपका हिंदी। चलिए भैया बात करते हैं, थैंक यू क्लास, ठीक है, मुलाकात होती है आप सभी से, ठीक है, मुलाकात होती है आप सभी से शाम को 7 बजे, मुलाकात होगी आप सभी से शाम को 7 बजे अनअकैडमी पर। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आज फर्स्ट टाइम, वो सुबह 6:30 बजे यहीं पर मिलेंगे करंट अफेयर्स के लिए, शाम को 7 बजे आ जाइएगा अनअकैडमी पर, सारे लोग मुझे अनअकैडमी पर सर्च करके फॉलो कर लें, ठीक है, मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से खाते रहिए, और बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए मुलाकात होती है अगली क्लास में, थैंक यू क्लास।